दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच देखने के लिए उत्सुक हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली T20 सीरीज़ का हो चुका है आगाज। बट थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है T20 का महासंग्राम। 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे शुरू होगा मैच? कैसा होगा पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बहुत जल्द भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीम में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। वैसे भी इतिहास उठाकर देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब टक्कर दी है, इसलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहले T20 मुकाबला 17 सितंबर को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद यह कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 19 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो हाथ करते हुए नजर आने वाली हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच 20 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में यह सीरीज आप देख सकते हैं। वही टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी T20 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। 4th नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। 6th पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7th और 8th पायदान पर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9th पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10th और 11th नंबर पर मोहम्मद सिराज और हर्षदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली T20 सीरीज का बिगुल बज चुका है। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है T20 का महासंग्राम। 11 भूखे खूंखार शेरों के साथ मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। फिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत? कैसा होगा पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बहुत जल्द इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं।
वैसे भी इतिहास उठाकर देख लीजिए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब कांटे की टक्कर दी है, इसलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहला T20 मुकाबला 15 सितंबर को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 17 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा मुकाबला 19 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज आप देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी, इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछले T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर ने और BCCI ने दिया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर सातवें और आठवें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। नौवें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में दसवें और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये सीरीज अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ इंटर स्क्वाड मुकाबले में दहाड़ा शुभमन गिल का बल्ला, शतक ठोक अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, कैसे शुभमन गिल ने लिखा अपने बल्ले से नया कीर्तिमान, कैसे अपने बल्ले से बांग्लादेश की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, कैसे शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर थर-थर कांपने लगा बांग्लादेश, कैसे दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों में आपस में धर्मशाला के मैदान पर जबरदस्त इंटर स्क्वाड मुकाबला खेलने के लिए उतरी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंटर स्क्वाड मैच में टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। और यह डिसीजन सूर्यकुमार यादव के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के बल्लेबाज महमूदुल्लाह और कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 220 रनों तक पहुंचा दिया और भारत के सामने 20 ओवर में पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत बांग्लादेश की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम बांग्लादेशी गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गर्जा, 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को हर कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है बांग्लादेश
की वापसी का शंखनाद एक बार फिर चलता है। शाकिब अल हसन का जादू जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, शाकिब अल हसन ने आते ही लगातार दो गेंदों पर पहले यशस्वी जायसवाल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को दो करारे छटके दे दिए। यशस्वी जायसवाल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं संजू सैमसन का तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी, बांग्लादेश मैच में वापसी कर चुका था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां शुभमन गिल ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं।